नमस्कार। साधारण कोरोना नाम विख्यात कोविड 19 यह विश्व स्वास्थ्य संस्था हु पांडेमिक घोषणा कला परे सारा विश्व छानिया हला हेबा भी स्वाभाविक। यार मुकाबला पई अनेक प्रकार कटकणा जारी हला और अनेक कार्यक्रम हाथ को नियागला। इतिमध्यरे बीतीगलाणी 2 वर्ष कोविड 19 सतरे एक महामारी ना महादुर्नीति एभली विवाद आरंभरु लागि रहिछ सेथिरे जोड़ी होइछि किछि नुआ तथ्य आसंतु देखिबा। आज आलोचना करिबा बि किंचित कथारे मन थिबो आपणकर जेतेबेले प्रथमे कोविड 19 कथा चर्चा हला 2020 मार्च मासर कथा सेतेबेले ओडिसा सरकार घोषणा करथिले केन्द्र सरकार भी समान घोषणा करथिले जे जदि केही कोविड 19 रे आक्रांत होई मृत्युवरण करंती तेबे सरकार सेमानंक परिवार को 4 लाख टंकार अनुकंपा सहायता देबे। एटा आपण मानक समस्त मन थिबो सेतेबेले एभली घोषणा काहीं की करा जाइथला ताहार गभीर अनुशीलन दरकार है ना एमती अनुशीलन हेले देशरे हजार हजार लोकंर कोविड रे मृत्यु हला बोली विभिन्न डाक्तरखाना पक्षर सर्टिफिकेट जारी होगा पर सरकार ये प्रतिश्रुति भूली जाइथले प्रति मृत्यु पिछा 4 लाख टंका दबार प्रतिश्रुति कथा भूलीगले। घोषणा करिबा समय रे बोध हुए सरकार भाविथिले जे एथिरे अधिक केही मरिबेनि अल्प लोकंर जदि प्राणहानि हबो सरकार सहायता जोगाई देबे किंतु जेतेबेले जेऊ कारण रहउ पछके मृत्यु संख्या बढ़ी चलला हु हुई के बढ़ी चलला बहुत जगार बहुत शहर एमती भुवनेश्वर भी सरकार निजर प्रतिश्रुति भूलीगले किंतु किछि लोक भूलले नहीं से माने सुप्रीम कोर्ट रे मकदमा कले सरकार को तांका प्रतिश्रुति कथा मन पकई देले। सुप्रीम कोर्ट केन्द्र और राज्य सरकार मानकु तागिद कले दबो बोली कहिथिलो तौन कहीं कोर्ट रु 3-4 छाट पड़ा पर केन्द्र सरकार कहले आम एतपरबुनु जनका 50,000 देबु प्रति कोविड मृत्यु पिछा 50,000 टंकार अनुकंपा सहायता देबे। राज्य सरकार मध्य से कहले प्रथम प्रथम कोविड मृत्यु संख्या बढ़ुला एवं आई हार बढ़ुनि बहुत कमीगला। इतिमध्यरे सुप्रीम कोर्ट जाणी सारे जे राज्य सरकार गुड़िक जो कोविड मृत्यु संख्या दर्शाऊ सत नुहे नॉट ट्रू बोली कहले से तेणु पॉजिटिव चिन्हट होबार मासक भितर जो मानकर जेकोसी कारण मृत्यु होता ना कहीं एमती कि जे आत्महत्या करते भी तांकु कोविड मृत बोली ग्रहण करी अनुकंपा सहायता देवाक सुप्रीम कोर्ट ये 2 दिन तले निर्देश देते कोर्ट कहीं एमती निर्देश दे गभीर अनुशीलन होगा दरकार है ना सरकार करवा दरकार जनसाधारण भी करवा दरकार। एक प्रकाश पाला बेलू भुवनेश्वर से जड़े युवक ट्विटर रे गोटे चमत्कार घटना प्रकट कले माँ बंची भुवनेश्वर महानिगम महानगर निगम एवं कलारंग आरआई तरफ माँ को मृत दर्शाई कोविड अनुकंपा सहायता ने फोन कल आने से थाना अभियोग से जहाँ लिखिं तहार सारमर्म हला तांका बापा को कोविड होइथला किंतु तांको कोनोसे हॉस्पिटल न पठाई जेतु तांकर कोमॉर्बिडिटी समस्या थिला तांको घरे रखे के चिकित्सा करा जायथला से फल होइथला। जेतु सेतेबेले कोविड डर समस्त आक्रांत करथला तांको परिवार रा समस्ते जेतु कांटेक्ट ट्रेसिंग रे आथले तांका बापांकर संगर थले ना एकाठी लॉयला स्कूल रे समस्ते कोविड परीक्षा करैथले किंतु सेमाने नेगेटिव कि पॉजिटिव कोनोसी रिपोर्ट मिलि नथला से तो बहुत डेरी होता रिपोर्ट मिलने परसू कर मिललाने से मैंने बापा को से घर गोटे बखर में रखिक समस्ते अन्य सब सतर्क थे कहार किसी क्षति हालाना एवं तक माँ कोविड्रे चली जाती सरकारी खातार उठी ओडिशा सरकार खातार कोविड मृत्यु संख्या 9,000 तले आज सुधा किंतु कोविड मृत्युजनित अनुकंपा सहायता पाइले प्राय 11,000 जो परिसंख्यान सरकार ओडिशा सरकार निजे सुप्रीम कोर्ट रे एथर बुझंतु यह कि प्रकार एक महामारी मृत्यु संख्या 8,000 दिगला 11,000 को आउ गोटे कथा सरकार प्रथम कहले जे कोविड पॉजिटिव हेबो तांकर कांटेक्ट ट्रेसिंग करा जिवो समस्त निज निजर टेस्ट कराइबे सरकारी खर्च बड़ बड़ लोक माने पॉजिटिव हेले सोशल मीडिया रे घोषणा कले एवं सेमानक संस्पर्श रे आसीतबा समंत को समस्त टेस्ट करबा को अनुरोध कले ट्विटर रे फेसबुक रे चारियाड व्यापला से भलिया वार्ता ब्लॉकचेन व नेटवर्क मार्केटिंग पर टेस्ट संख्या बढ़ला
मत है मोठू आपन को काले रही थी आप गले पॉजिटिव संख्या बढ़ला। टेस्ट तर प्रथम 4000 टंका रु अधिक थिला, क्रमे क्रमे से खसिक 1200 टंका है, ताठू अधिक नौकर भी किसी लोक बर्तन कमिलाने। अनेक लोक जाल पॉजिटिव रिपोर्ट भी संग्रह कर 14 दिन छुट्टी ने संग्रोधर रे सरकारी कर्मचारी विशेषकर केतक जगार खबर आसला लोके छुट्टी नहीं मौज कर एबे संगरोध दिवस संख्या 7 दिन को सरकार कमईदे कारण जाणीगले बहुत कमीगला ओमिक्रॉन फोमिक्रॉन आसला पर एथर बुझंतु या कि प्रकार एक महामारी केते दिन भल हो पॉजिटिव जालियाती धरा पड़ा समय आउ गोटे जालियाती कथा पदाक आत अभोग होता पूरी गोटे रिपोर्ट प्रकाश पाई गणमाध्यम आपत लक्ष्य करते जगन्नाथ दर्शन परत किसी लोक नेगेटिव सर्टिफिकेट संग्रह करा बिक्री होता सरकार प्रथम कहे सब कोविड रोगी को मागणार चिकित्सा सेवा दिज्व मागणा चिकित्सा सेवा और सुविधापी अनेक घर हस्पिटाल भर्ती है तो सरकार तो पैसा खर्च कर आम कौन जहाँ रोग भल कर बहुत कोमोरबिडिटी वाला बेसी बसिले सरकार हजार हजार कोटी टाँग खर्च है अधिकांश लोक साधारण औषधर भल है खूब अल्प रोगी मृत्यु है से कोमोरबिडिटी वाला प्राय से समय अनेक आड़ अभोग आसला जे चिकित्सा समय रोगीर अवस्था विषय कहीं जापार ना क्या सहित कंटाक्ट नहीं आ सब तो गोटे जगह पुरेदे से डाक्तर नर्स जा बहुत कम पीपी किट पिंधिक जीवे अनेक आज छाड़े ना डाक्तखाना तरफ रोगी विषय में क्या भी किसी जनई दिगलानी एपरिक जो मैंने मले से मृतदेह चिन्हट सरकार व्यवस्था नाला पीपी किट भितर मृतदेह बांधि म्युनिसिपैलिटी वाला नहींकर दाह करते कहार ता जाना बिल्कुल मुस्किल था अनेक लोक निज लोक बदल अन्य कौ लोक अति भी नहीं क्रियाक्रम कले मो बापा मरी बापार किए आउ कोई बापार नहीं गल किए यूर बुझु यह कि प्रकार एक महामारी थिला बा अच्छी प्रथम प्रथम आइवरमेक्टिन मुल्लोपिराविर फाविपिराविर स्टेरॉइड भली बहु औषध दिगला आइवरमेक्टिन आदि औषध खाकर किसी लोक सुस्थ भी हेले कि परपर कौन है कि आनी सरकार यह सब औषध निषिद्ध कले मझे चलेल पुणी निषिद्ध कले एम दु तीन थर है बर्तमान सब निषिद्ध अच्छे कहीं देते कहीं बंद कले भी गभर अनुशूलन हैलाना वैज्ञानिक मैंने किसी कले किसी मस भर पजिट लोके हस्पिटा गले जावाक डरिले घरे रही औषध खाई भल होगा पसंद कले एवं भी 80-90% पजिट घर रही भल हो सरकार कौन सरकारी विशेषज्ञ मैंने कौन प्रथम प्रथम आयुर्वेदिक होमिओपैथी विशेषज्ञ मैंने कहले रोग ये भयंकर नुह आम औषधर संपूर्ण भल होम पद्धति भी कहले इम्यूनिटी बढ़े एलोपैथी विशेषज्ञ मैंने मानले ना से क्वाग बोली कहले मिछ सुडो साइंस बोली कहले आयुर्वेद होमिओपैथी को भारत सरकार का आयुष मंत्रालय इम्यूनिटी बढ़ावा को काढ़ा आदि केते प्रकार उपचार विषय अल्प किसी प्रचार कले जो प्रकार एलोपैथी प्रचार होता से प्रकार है कि प्रचार होता ताकि एलोपैथी वाला हसी उड़ेदे एवं अधिकांश लोक से ही कथा करढ़ा पीछे उषुम पा पीछे गर्गुल कर हस्पिटाल भिड़ जथेष कमी कोविड बेड फांका पड़व सरकार घर कोविड हस्पिटाल मान्यता प्रत्याहर कर मझे सब ठीक चलता ओमिक्रॉन ना आउ किसी बेड बढ़ला टंका खर्च है किंतु बेड फांका पड़ला एथिरु एहा कि प्रकार एक महामारी तहार आभास मिलला लोक आभास पाई बहुत कथा लोक फुला फांका होती अवश्य 2020 कोविड-19 को 2 वर्ष है जहाँ निर्दिष्ट औषध बाहर ना सर्दी काश ज्वर आदि पूर्व रही औषध रिपर्पज्ड मेडिसिन भाव में जाए चलती लोक भी से खाई भल होती किंतु वर्षक भितर टीका बाहरी गला औषध बाहर ना टीका बाहरी गला टीका नेबा को अनेक बड़ बड़ लोक प्रचार कले निजे टीका नहीं फोटो छापिले विभिन्न सोशल मीडिया छापिले खबर कागज बाहर केते कंपनी टीका नेबा को प्रोत्साहन भी देले लॉटरी स्कीम भाया नानादि पुरस्कार घोषणा है बहु लोक टीका नेले से बाबद एथर उद्बुद्ध होकर सब टीका नेले आम बंची जावा आमको संक्रमण तो हेनी कि देखाला जना पड़ा टीका नेले भी कोविड हो कहला दुटा टीका पर बुस्टर नेवाक हम कि आउ कह बुस्टर नेबार फोटो सोशल मीडिया देखा मिललानी ना प्रधानमंत्री ना मुख्यमंत्री ना बड़ बड़ लोकर बुस्टर टीका कथ फोटो बाहर लानी प्रथम टीका कथ बाहर था जहा हूँ अनेक लोक बुस्टर ने एबे कहा जाउछे टीकार प्रभाव 3 रु 6 मास रहुछे तापर कमी जाउछे तेन कोविड हेउछ संक्रमण हेउछ पुनि या अर्थ कोन लोके प्रति 3-4 मास रे गोटे लेखाएं बुस्टर नेबे सारा जीवन जते दिन मंची थिबे या सत्य भी संक्रमित हेबे ओ संक्रमित करिवे किंतु गंभीर स्थिति रे पड़िबे नाही मृत्युरु बंची जिवे एरा विशेषज्ञ माने कहउछन टीका नबा दरकार सेति पई निहाते दरकार किंतु टीका नै मध्य जो माने कोविड रे मले
ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କୋମର୍ବିଡିଟି ଥିଲେ ବା ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ଥିଲା ବୋଲି ସରକାର ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସଫେଇ ଦେଲେ। ଟୀକା ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମଲେ ହେଲା। ଟୀକା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ମଧ୍ୟ ସେଇ କୋମର୍ବିଡିଟି ଥିଲେ ବୋଲି ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ 90% ଡେଥ୍ ହେଉଛି କୋମର୍ବିଡିଟି ବାଲାଙ୍କର। ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଅନୁଶୀଳନ ହେବା ଦରକାର ପ୍ରକୃତରେ ଟୀକା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ କେଉଁମାନେ ମରିଛନ୍ତି। 2019 ପୂର୍ବରୁ କରୋନା ଥିଲା, SARS-CoV-1 ଥିଲା। 2019 ଡିସେମ୍ବରରେ ଯାହାକୁ SARS-CoV-2 କୁହାଗଲା 2, ତାହା ଏକ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଥିଲା କି ନାହିଁ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା ହେଲା ନାହିଁ। ଏପରିକି ସେ ଭୂତାଣୁର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ସଂକ୍ରମଣ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥା, ଆମେରିକା, ଚୀନ କି ଭାରତର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ, କୌଣସି ନିରପେକ୍ଷ ସଂସ୍ଥା କିଛି ଗବେଷଣା କଲେ ନାହିଁ କି ତଦନ୍ତ କଲେ ନାହିଁ। ଚୀନ ମନା କରିଦେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୁଁ କିଛି କରାଇଦେବେନି, କାରଣ ଚୀନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ସେ ଉହାନ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଲିକ୍ କରିଛି ବୋଲି। ସେଇଟା ଉହାନ ଲାବୋରେଟୋରୀ ବାହାରିଲା କି ନାହିଁ ତଦନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ଚୀନ କଲା ମାର୍କେଟରୁ ବ୍ୟାପିଛି, ତାହାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ଦେଇନାହିଁ। ଅଥଚ ଯେଉଁ ଭୂତାଣୁର ଜନ୍ମ ଓ ବ୍ୟାପ୍ତି ନେଇ ଏଯାଏଁ କିଛି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ, ତାହାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଡରେଇବାକୁ, ଗୃହବନ୍ଦୀ କରାଇବାକୁ, ନିଯୁକ୍ତି ହାନି କରିବାକୁ ଏବେ ବି ନେତା ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ସବୁ କଟକଣା ଚାଲି ରହିଛି, ତା'ର ଉତ୍ପତ୍ତି କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଏବେ ଯଦି ନିରପେକ୍ଷ ଆକଳନ କରାଯାଏ ତେବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ନିଜେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏଯାଏଁ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଲୋକ କୋଭିଡ଼ରେ ସଂକ୍ରମିତ ତାହା ବିଶ୍ୱର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 1% ପାଖାପାଖି, ଯେତେ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ତାହାର 2%ରୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ତାଠୁ ଅଧିକ ହୋଇନାହିଁ। ଅଥଚ ବିଶ୍ୱର 99% ଲୋକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ। କରୋନାରେ ଯେତେ ଲୋକ ହଇରାଣ ହୋଇନାହାନ୍ତି କରୋନା କଟକଣାରେ, ତାହାଠାରୁ ଶହ ଶହ ଗୁଣ ଅଧିକ ଲୋକ ଜୀବନ ମରଣ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। କେଉଁଟା ମହାମାରୀ, କରୋନା କରୋନା ନା କରୋନା କଟକଣା, ତାହା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ବୁଝିବା ଦରକାର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି କରୋନା ତୁଳନାରେ ଢେର ଅଧିକ ଲୋକ TB, ହୃଦଘାତ, ପ୍ରଦୂଷଣ, ମନ୍ଦପୁଷ୍ଟି ମାନେ ପୁଷ୍ଟିହୀନତା, ଭେଜାଲ ଖାଦ୍ୟ ଆଦି ଖାଇକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ତାହା ରୋକିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଭଳି ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଉନାହିଁ କି ଏଭଳି ଅଭିଯାନ ଚାଲୁନାହିଁ। ବରଂ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ଖରା, ଆମ ଖାଦ୍ୟ, ନିର୍ମଳ ବାୟୁ, ନିର୍ମଳ ଜଳ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ପାଉ, ସେ ଶକ୍ତି କମ୍ କରିବା କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଜୀବନଶୈଳୀ, ବିକାଶ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ମାପ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ସେ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିକାଶ, ଏଇଟା ଭଲ, ଯାହା ଖାଇକି ଲୋକେ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରୋଗ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତଥାପି ତା ଉପରେ କରୋନା ଭଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅଭିଯାନ ନାହିଁ କି ସେସବୁର ଟୀକା ବାହାରୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେସବୁ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ଘୋଷଣା କରୁନାହିଁ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ସେ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ହେଉ ବା ଏଣ୍ଡେମିକ୍ ବା ଏପିଡେମିକ୍, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସର୍ଦ୍ଦି ଏବେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା COVID-19 ଏ ଦୁଇଟାଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ, ଜଣଙ୍କଠୁ ଏହା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଂକ୍ରମଣ କରିବ, ଏଥିରେ ଦୁରୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଟୀକା ଏହା ରୋକିପାରି ନାହିଁ, ରୋକିବା ଦରକାର ଥିଲା, ଯଦି ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଲେଣି, ସ୍ୱୀକାର ବି କଲେଣି, ତଥାପି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି ଓ ବୁଷ୍ଟର ପରେ ବୁଷ୍ଟର ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହୁ, ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ହିତରେ ଲାଗୁଛି ଚାଲୁ ରହୁ, କିଛି ମନା ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଏକ ମହାମାରୀ, କାହା ଲୋକ ମରିଯିବେ, ଯଦି ମରି ନାହାନ୍ତି ସେମିତିକି। ଯେଉଁଠି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ତୁଳନାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ, ସେ ସଂକ୍ରାମକ ବ୍ୟାଧି ଭାବରେ ପରିଣତ, ମଧ୍ୟ ମହାମାରୀ ଭାବରେ ନିନ୍ଦିତ, ତେବେ ବୁଝିବାର କଥା ଏଇଠି ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ମହାମାରୀ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ, ମହାଦୁର୍ନୀତି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ, ଏ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ତର୍ଜମା କରିବା କଥା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥା, ସରକାରୀ ସବୁ ସରକାର ଦେଶର ଏବଂ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ବି। ଧନ୍ୟବାଦ। Thank you.